हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का सेकंड लेक्चर का अध्ययन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्षारक सूचक और उसके प्रकार अम्लों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। अब कुछ सामान्य क्षारक हैं, उनका नाम देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है CaOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है MgOH का ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है NH4OH। अब शेष है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब आगे सूचक पढ़ेंगे। सूचक को प्रश्न के रूप में देखते हैं। सूचक क्या है? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारकों के साथ मिलाने पर अपना रंग अथवा गंध परिवर्तित कर लेते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारकों के साथ मिलाने पर अपना रंग और गंध को परिवर्तित कर लेते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब सूचक दो प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। रंगीय सूचक लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कई फूलों जैसे हाइड्रोजिया, पेटूनिया, जेरेनियम आदि की रंगीन पंखुड़ियाँ, फिनो पैथेलिन, मिथाइल ऑरेंज आदि। विशेष विभिन्न सूचकों का अम्लीय या क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन। लाल लिटमस विलयन अम्लीय विलयन में परिवर्तित नहीं होता है, क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। नीला लिटमस विलयन अम्लीय विलयन में लाल रंग का होता है, क्षारीय विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिनोफ्थलिन विलयन अम्लीय विलयन में परिवर्तन नहीं होता है, क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज का विलयन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग, क्षारीय विलयन में पीला रंग दिखाई देता है। अब गंधीय सूचक, जिनसे गंध का परिवर्तन होता हो वो गंधीय सूचक होते हैं, जैसे कटा हुआ प्याज, तन्नू, वेनिला, लौंग का तेल आदि। इनमें सभी में गंध का अनुभव होता है, इसलिए यह गंधीय सूचक होंगे। विशेष लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कई फूलों जैसे पेटूनिया, जेरानियम आदि की रंगीन पंखुड़ियाँ, कट्टा हुआ प्याज, तन्नु वेनिला, लौंग का तेल आदि प्राकृतिक सूचक हैं। इनको प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए प्राकृतिक सूचक हैं। जबकि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलिन आदि संश्लेषित सूचक हैं। ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। लिटमस, अब लिटमस के बारे में जानकारी लेंगे। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है। जो लिटमस का विलयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन लिटमस पत्र होता है वो लाल और नीला होता है। रंजक का होता है, जो थेलेफाइटा समूह के लिचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। इसका
जो हिंदी में पढ़ते हैं वैसे लाइकेन नाम से पढ़ते हैं, लेकिन सही नाम इसका लिचेन होता है, पौधे से निकाला जाता है। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है, और अम्लीय विलयन में लाल रंग तथा क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। लिटमस न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, अतः यह उदासीन प्रकृति का होता है। अब एक प्रश्न है जो अपनी बुक में है, उसका अध्ययन करेंगे। आपको 3 प्रणालियां दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रणाली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको 3 प्रणालियों में कोई विलयन दिया गया है और उनमें आपको एक लाल लिटमस पत्र दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो लाल लिटमस पत्र है उन तीनों में डुबो देंगे। जिसमें क्षार होगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और जो अम्लीय होगा उसमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसा रंग रहेगा वैसा ही रहेगा। और पानी होगा उसमें भी कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे, जो नीला हुआ लिटमस पत्र है उनको भी दोनों में डाल देंगे। जो 2 शेष बचे ना, एक अम्ल और एक पानी वाला, तो जिसमें डाल देंगे उसमें जो नीला कलर था वो वापस क्या हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। और जो रंग परिवर्तन नहीं हुआ वो कौन सा होगा? पानी या जल का होगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तीनों प्रणालियों में लाल लिटमस पत्र को डालते हैं। जिस प्रणाली में लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाए वह क्षारीय विलयन होगा। जिन दोनों प्रणालियों में परिवर्तन नहीं होगा उनमें से एक में जल तथा दूसरे में अम्लीय विलयन होगा। अब जो लिटमस पत्र नीले रंग का हो गया है उसे शेष दोनों प्रणालियों में डुबाया जाता है। जिस प्रणाली में यह लिटमस पत्र पूर्ण लाल हो जाएगा वह अम्लीय विलयन होगा, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता है। तीसरी प्रणाली में जल होगा। अब है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसमें CO2 कार्बोनेट के कारण बनता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अम्ल धातु प्लस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस H2S गैस का निर्माण करता है, जिसमें धातु के साथ सल्फाइड जुड़ने पर हाइड्रोजन गैस में भी सल्फाइड जुड़ जाता है, जो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण है उसके साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये अम्लों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका था। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा H2 गैस बनाते हैं। अम्ल को धातु के साथ क्रिया करवाने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे धातु है ZN या जिंक, जो H2SO4 पर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार फेरस या आयरन को अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर FeSO4 और H2 गैस बनाते हैं। इसी तरह मैग्नीज मैग्नीज का तनु
अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर मैग्नीज मैग्नीज तनु HNO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके MnNO3 का ट्वाइस तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके MgCl2+ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया करवाने पर धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करवा के लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण प्लस जल और साथ में CO2 गैस बनाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसी तरह उनकी समीकरण होगी Na2CO3+2HCl, तो 2NaCl बनेगा और साथ में हाइड्रोजन CO2 गैस और जल का निर्माण होगा। इसी प्रकार धातु बाइकार्बोनेट या NaHCO3+HCl का निर्माण NaCl+H2CO2 के साथ होगा। NaHCO3+HCl अभिक्रिया करके NaCl+H2O+CO2 बनेगा। अब अम्लों की क्षारकों से अभिक्रिया। अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी जिसका रासायनिक समीकरण NaOH+HCl NaCl+H2O होगा। इसी प्रकार KOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके KCl+H2O होगा। अब है अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल उत्पाद बनेगा लवण और जल। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करेंगे जो नील हरित रंग का उत्पाद होगा कॉपर क्लोराइड। अब इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा HNO3 के साथ जो सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा 2NaNO3+ में जल का निर्माण करेगा। इसी तरह अब अम्लों की धातु सल्फाइड से अभिक्रिया। अम्ल धातु सल्फाइड यहाँ पे सल्फाइड होगा के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल प्लस धातु सल्फेट बनेगा साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बनेगी। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया आयरन सल्फाइड के साथ करवाने पर Fe SO4+H2O बनेगा। धन्यवाद। अगर आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट या टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।